सो गाइस, मैं पहले जैसे बता रहा था कि दशहरा सेल जो देखने को मिलता है 2 से 3 दिन देखने को मिलता है, उससे अधिक नहीं देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों इस बार फ्लिपकार्ट ने गजब से ही कर दिया, इस बार जो कि आपको दशहरा सेल पूरे 9 दिन यानी कि 1 हफ्ता से ऊपर भी आपको देखने को मिलेगा बिग दशहरा सेल के रूप में। और ये सेल्स दोस्तों आपको जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि ये सेल्स आपको 21 तारीख से स्टार्ट होगा और देखिए वो स्टार्ट 21 तारीख से ही हो रहा है और ये सेल आपको 29 अक्टूबर तक चलेगा। 21 तारीख को प्लस मेंबर जब सिप जो वीआईपी मेंबर है प्लस मेंबर है सिप है उनके लिए 21 तारीख का सेल्स, वैसे नॉर्मल यूजर के लिए तो इस बार 22 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक सेल देखने को मिलेगा। अब वीआईपी मेंबरशिप नहीं है, आप वीआईपी नहीं है, आप कोई भी कह सकते हैं मेंबरशिप आपके पास नहीं है तो कोई भी कोई दिक्कत नहीं, आपके लिए 22 तारीख से ये सेल आपके लिए भी अवेलेबल हो जाएगा जो नॉर्मल यूजर्स है। और दोस्तों कमाल की बात इस बार ये है कि इस बार 5 बैंकों का डिस्काउंट देखने को मिल रहा है और 5 बैंकों में से एक बैंक ऐसा है जो केवल 21 तारीख को आपको डिस्काउंट देगा और ये है ICICI का बैंक। वो उसमें केवल 21 तारीख का जो VIP मेंबर है जो प्राइम मेंबरशिप लिए हैं उनके लिए आपको देखने को मिलेगा और बाकी जो बैंक है आपको मिलेगा जो कि आपको 29 अक्टूबर तक 22 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक सारे ऑफर देखने को मिल जाएंगे। तो कह सकते हैं अच्छी खबर यही है कि इस बार 5 बैंकों का आपको देखने को मिला जो कि इसमें से कोटक का साथ है, RBL बैंक है, आपको साथ में आपको SBI का बैंक भी देखने को मिल जा रहा है। तो सबसे बड़ी अच्छी बात है इसकी इस बार आपको SBI का बैंक भी देखने को मिल जा रहा है क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड यूज करने का। और सबसे सही बात यह है कि SBI का अधिकतर लोग पास रहता है तो कह सकते हैं आपके लिए अच्छी खबर यह है कि आपके पास SBI का है ही तो कोई दिक्कत इसमें है ही नहीं क्रेडिट कार्ड और करने के लेकर। अब बात रही गाइस डिस्काउंट के लेकर, तो डिस्काउंट देखिए आपको इस बार भी बम्पर बढ़िया मिलने वाला है। अब ये नहीं कह सकते हैं कि आपको BBD सेल की तरह डिस्काउंट देखने को मिलेगा लेकिन आपको अच्छा खासा डिस्काउंट देखने को मिल सकता है और जो कि है 2 से 3 हज़ार तक 4 हज़ार तक डिस्काउंट आपको मिल जाएगा किसी भी प्रोडक्ट में आसानी से देखिए डिस्काउंट मिलेगा। कोई ऐसे प्रोडक्ट भी होगा जो कि आपको पहली बार इस सेल्स में देखने को मिलेगा तो उसमें आपको बम्पर डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। तो आप कोई प्रोडक्ट अब लेना रह गया था नहीं ले पाए थे तो उसके लिए अब बिग दशहरा सेल बढ़िया है उसमें भी आप ले सकते हैं। उसके बाद भी कोई आप कोई दिक्कत नहीं मिस हो जाता है तो उसके बाद बिग दिवाली सेल देखने को मिलेगा ही, उसमें आप ले सकते हैं परचेस कर सकते हैं। खैर अपने हिसाब से देख लीजिएगा आपको किस में देखने को मिल जाएगा। फिलहाल इस बार भी सारे किसी भी प्राइस किसी चीज का प्राइस जो है रिवील नहीं किया गया, केवल डेट रिवील किया गया आईफोन का चाहे किसी भी प्रोडक्ट का कभी प्राइस रिवील नहीं किया गया। वो प्राइस रिवील करेगा धीरे धीरे जैसे आपको BBD सेल्स में देखने को मिला था और जो कि इस बार फ्लिपकार्ट का काफी ज्यादा हाइप बना था। इस बार देखिए फ्लिपकार्ट अधिकतर सेल ला रहा है क्योंकि वो जानता है कि इस बार जो हाइप बना है उसकी वजह से इसकी अच्छा प्रोडक्ट में बिक्री देखने को मिल सकती है। तो कह सकते हैं कि अच्छा ऑफर के साथ अच्छे प्रोडक्ट भी देखने को देने को मिल सकता है। तो आप लोग भी कोई प्रोडक्ट बाय नहीं कर पाए थे, बाय करना रह गया था तो आप इस सेल्स में बाय कर सकते हो। तो दोस्तों यही छोटी सी इंफॉर्मेशन और अच्छी खबर यही थी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के कोई पेमेंट हमारे यहाँ नहीं लगता है।